तो फ्रेंड रोजीला पास हमने क्रॉस कर लिया है और अब जा रहे हैं हम कारगिल की तरफ। बहुत सारा पानी है यहाँ पे, ध्यान से निकालना पड़ेगा। पानी तो क्या पूरे का पूरा कीचड़ है और रोड पूरी टूटी पड़ी है। तो फ्रेंड्स बात ऐसे है कि हम जा रहे हैं अब कारगिल की तरफ। पहले दरास पड़ेगा और दरास से आगे आएगा कारगिल मेमोरियल हाउस और वहाँ से आगे आएगा कारगिल, राइट। और अभी अभी ताज़ी सूचना से हमें पता लगा है, हाँ आपने फोन दिया था, फोन का मेरी जेब में है, क्या करना, फोटो लेनी है वो इसमें डाल दूंगा। अकेला अकेला लिया था, चलना भी ना बंदा बर्फ रोड के पास थी। हाँ चल पड़ी चल पड़ी चल पड़ी। तो दोस्तों अभी अभी मुझे पता लगा है कि आगे वाला रोड जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब होने वाला है। खड्डे तो अभी से आने शुरू हो गए हैं, पता नहीं आगे जाके क्या होगा। और जो देखो अभी निकलने की भी जगह नहीं है, कहाँ से निकले इंसान, कीचड़ में ही घुसानी पड़ेगी बाइक। तो दोस्तों अभी अभी पता लगा है कि इवन फॉर्चूनर जैसी गाड़ियाँ भी नीचे लग जाती हैं, इतने बड़े बड़े खड्डे आने वाले हैं। तो देखी जाएगी क्या होगा, बहुत ही बुरी हालत है इस रोड की और उसके बाद जाके थोड़ा सा ठीक हो जाएगा ये रोड, होप सो। चलो मिलते हैं आगे आपसे, टेक केयर। गाड़ी की शूटिंग होती हुई ले कर दे, रख नहीं रहा, मैं कौन रख रहा, थल्ली चलन दे। ओए ओ नीचे करना भूल गया, बाद में देखो और कांड दे रहा ना करे, मैं पैर ऊपर रख के चल रहा हूं, थल्ले लाने की लोड ही नहीं पैर चोर, सब तो बड़ी गल थल्ले लाने की लोड नहीं। ये आया एक और ब्रिज, पहले ब्रिज साथ वाला होता था, ऐसे ब्रिज बहुत ही सुंदर लगे हैं देखने में, बहुत ही एनर्जी आती थी इन ब्रिजेस को देख के। तो दोस्तों सामने आप देख सकते हो वो रहा कारगिल के लिए चेक पोस्ट। तो यहाँ पे एंट्री होगी और यहाँ पे एंट्री होने के बाद हम निकलेंगे आगे कारगिल के लिए। तो पहले एंट्री कर लेते हैं, बहुत सारे बाइकर्स खड़े हैं यहाँ पे, चलो। तो फ्रेंड्स चेक पोस्ट के बाद के जो व्यूज़ हैं वो और भी सुंदर होते जा रहे हैं। आप देख सकते हो इस ब्रिज को मैंने बहुत बार वीडियोस के अंदर देखा है और ये बहुत 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 सुंदर।
सुंदर व्यू है यहाँ से। सो उम्मीद करता हूँ कि आगे के व्यूज और अच्छे होंगे और ये राइड सक्सेसफुल रहेगी हमारी। सामने रुको पानी के लिए। आई दीवार रोड के साथ साथ, तो दोस्तों इस दीवार का मतलब क्या है? जहाँ तक शायद मुझे लगता है कि ये है कि उधर से सामने उधर पाकिस्तान दिखता है, पाकिस्तान की पहाड़ियाँ दिखती हैं, वो हमें यहाँ से जाते हुए देख सकते हैं। और शायद ये तोड़ा भी उन्होंने है बीच बीच में से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ठीक है। अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत निकले है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका लॉजिक क्या था, इस दीवार बनाने का लॉजिक क्या था। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ, वो आपको पसंद आ रही होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मेरे YouTube चैनल की स्टार्टिंग है तो उसके लिए मेरे को व्यूज़ चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सारी वीडियोज़ को एंड तक देख रहे होंगे विदाउट फास्ट फॉरवर्डिंग किए हुए। तो दोस्तों ये ज़रूरी है मेरे लिए भी, और आप भी इंजॉय कीजिए सारी वीडियोज़ को। सामने व्यूज आप देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं ये बादल, और एक मतलब नॉर्मली है ना। तो होप उम्मीद करता हूँ कि आप सबने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन आ रहा है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, और देखिए इंजॉय कीजिए कि हाँ कितना अच्छा व्यूज़ है हमारे इंडिया में ही, और हमें इंडिया से बाहर क्यों घूमने जाएँ जब हमारे इंडिया ही इतना सुंदर है। और ऐसे ऐसे प्लेसेस हैं इंडिया में भी एक्सप्लोर करने के लिए कि जो आपने नहीं देखी हैं। तो दोस्तों चलिए आगे मिलते हैं आपको हम द्रास में। तो दोस्तों